एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, यूपी ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही कि जानिए कब होंगे यूपी में पंचायत चुनाव। पंचायतवार आरक्षण को लेकर आई ये खबर। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन किस तारीख से होने जा रहे हैं और पंचायतवार आरक्षण को लेकर इस वक्त की क्या खबर आ रही है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हों पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, वोटर लिस्ट के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। अब लोग पंचायतवार आरक्षण और चुनाव की तारीख के ऐलान के इंतजार में हैं। यूपी में पंचायतवार आरक्षण का काम 20 फरवरी यानी कल से शुरू हो गया। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पंचायतवार आरक्षण को लेकर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने जनपदों में 20 फरवरी से 1 मार्च तक ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। 2 और 3 मार्च को सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित करने का काम किया जाएगा, जबकि यदि किसी को कोई आपत्ति होगी तो वो 4 से 8 मार्च के बीच अपनी बात रख सकता है। 9 मार्च को सभी आपत्तियों पर नजर डाली जाएगी। जिलों के लिए शासन आदेश जारी किया गया है। इस आदेश पर नजर डालें तो इसमें कहा गया है कि 10 से 12 मार्च तक डीएम की अध्यक्षता वाली समिति आपत्तियों का परीक्षण करेंगी, इससे निस्तारण करेंगी। इस समिति में सीडीओ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और डीपीआरओ भी शामिल होंगे। 13 और 14 मार्च को सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित भी करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यही वजह है कि गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बीडीओ, एडीओ, पंचायत और प्रशासकों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। शासन आदेश के अनुसार किस तरह आरक्षण दिया जाना है ये विस्तार से बताने का काम किया गया है। इस साल उन गाँव को एससी कर दिया गया है जो कभी एससी आरक्षित सीट नहीं रहे। इसी तरह उन गाँव को भी ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कभी ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं नजर आए। अगर निदेशालय की ओर से निर्धारित आरक्षित गाँव की संख्या से इस तरह के गाँव अधिक होंगे तो वहाँ आबादी के घटते क्रम में आरक्षण लागू करने का काम किया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि चुनाव की तारीख को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पिछले दिनों पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले पंचायत चुनाव कराने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यहां चर्चा कर दें कि बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से होने वाली है। वीडियो के आखिर में आपको आरक्षण के बारे में कुछ और बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति अगले कुछ दिनों में साफ तो हो जाएगी। इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। प्रक्रिया पर निगरानी के लिए अधिकारियों की कमेटी भी बनेगी। किसी भी सूची पर संदेह हुआ तो वो आपत्ति करा सकता है। कैमरे की निगरानी में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आपको बता दें, गुरुवार को विकास भवन में एडीओ पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटरों को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। शासन की ओर से निर्धारित फॉर्मेट पर विवरण किस तरह भरना है इसे लेकर ऑपरेटरों को जानकारी दी गई। शुक्रवार को सभी वीडियो, एडीओ, पंचायत और ऑपरेटरों को बुलाया गया। आरक्षण किस तरह से तय किया जाएगा इसको लेकर सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन आदेश को विस्तृत रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को